क्या है भाई? हिताची स्टीरियो एम्पलीफायर पावर। अरे भाई क्या चीज़ है यार, एक हफ्ता हो गया मुझे इसे देखते देखते, आज तक समझ नहीं आया ये है क्या बना यार वो है। ये डेक भी नहीं लगता, ये टेप रिकॉर्डर भी नहीं लगता, लाइटें शाइटें तो टेप जैसी है। अरे ये बत्ती क्या हो रहा है भाई, ये लाल बत्ती क्या हो रही है? दबाओ कुछ तो, जलता कुछ है इसमें है। अरे भाई ये क्या है, ये अलग भी हो जाते हैं अलग अलग है। ये दो दो है, वॉकमैन बाहर आते हैं इसमें से। ये एक ही बक्से में दो दो वॉकमैन का क्या काम है भाई है? और जब वॉकमैन ही बनाया तो फिर इतना बड़ा ढांचा क्यों बनाया इसका भाई, इसका क्या काम है भाई? अरे ये तो मुझे जेट इंजन का जो ब्लैक बॉक्स है ना वो लग रहा है ना दोस्तों। जब कहते हैं ना न्यूज़ में, जब कोई जेट इंजन जब क्रैश होता है तो सारे वैज्ञानिक मिलके जो उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं जिसमें बोला सारे मैसेज जो है रिकॉर्ड होते हैं, और उन्हें पता लगता है कि जहाज क्रैश हुआ तो हुआ पर क्यों, किस कारण हुआ। तो मैंने अक्सर सुना है कोई भी प्लेन क्रैश होता है ना तो वो प्लेन को नहीं ढूंढते, उस बक्से को ढूंढते ब्लैक बॉक्स को, ताकि उन्हें जो है क्या हुआ था प्लेन के अंदर वो पता लग जाए। कहीं ये वही चीज़ तो नहीं है दोस्तों, मैं कई दिन से इस पर जो है रिसर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं लगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे कि ये क्या है, क्या चीज़ है ये, क्या हाथ लगी मेरे भाई। मैं तो इसे जो है सोना समझ के लाया था दोस्तों, अभी तक पता नहीं चला ये सोना है हीरा है कि ये कोयला है, क्या है ये? ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि कोई हाई फाई म्यूजिक प्लेयर सिस्टम है, ये डेक है शायद, इसके स्पीकर गायब है शायद इसके, हाँ ये साइडों में शायद इसके स्पीकर इसमें अटैच होते हैं। क्या है भाई, हिताची स्टीरियो एम्पलीफायर पावर। अरे भाई क्या चीज़ है यार, एक हफ्ता हो गया मुझे इसे देखते देखते, आज तक समझ नहीं आया ये है क्या बना यार वो है। ये डेक भी नहीं लगता, ये टेप रिकॉर्डर भी नहीं लगता, लाइटें शाइटें तो टेप जैसी है। अरे ये बत्ती क्या हो रहा है भाई, ये लाल बत्ती क्या हो रही है? दबाओ कुछ तो, जलता कुछ है इसमें है। अरे भाई ये क्या है, ये अलग भी हो जाते हैं अलग अलग है। ये दो दो है, वॉकमैन बाहर आते हैं इसमें से। ये एक ही बक्से में दो दो वॉकमैन का क्या काम है भाई है? और जब वॉकमैन ही बनाया तो फिर इतना बड़ा ढांचा क्यों बनाया इसका भाई, इसका क्या काम है भाई? अरे ये तो मुझे जेट इंजन का जो ब्लैक बॉक्स है ना वो लग रहा है ना दोस्तों। जब कहते हैं ना न्यूज़ में, जब कोई जेट इंजन जब क्रैश होता है तो सारे वैज्ञानिक मिलके जो उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं जिसमें बोला सारे मैसेज जो है रिकॉर्ड होते हैं, और उन्हें पता लगता है कि जहाज क्रैश हुआ तो हुआ पर क्यों, किस कारण हुआ। तो मैंने अक्सर सुना है कोई भी प्लेन क्रैश होता है ना तो वो प्लेन को नहीं ढूंढते, उस बक्से को ढूंढते ब्लैक बॉक्स को, ताकि उन्हें जो है क्या हुआ था प्लेन के अंदर वो पता लग जाए। कहीं ये वही चीज़ तो नहीं है दोस्तों, मैं कई दिन से इस पर जो है रिसर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं लगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे कि ये क्या है, क्या चीज़ है ये, क्या हाथ लगी मेरे भाई। मैं तो इसे जो है सोना समझ के लाया था दोस्तों, अभी तक पता नहीं चला ये सोना है हीरा है कि ये कोयला है, क्या है ये? ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि कोई हाई फाई म्यूजिक प्लेयर सिस्टम है, ये डेक है शायद इसके स्पीकर गायब है शायद इसके, हाँ ये साइडों में शायद इसके स्पीकर इसमें अटैच होते हैं।